दोस्तों जब आप अपने फ़ोन में किसी के नंबर को ब्लॉक करते हैं और ब्लॉक करने के बाद उस नंबर से आपके फ़ोन पे कॉल आती है तो उसको बिजी बताता रहता है जब तक आपके फ़ोन में उसका नंबर ब्लॉक रहेगा तब तक उसको बिजी बताएगा इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप उसके नंबर को जब ब्लॉक करेंगे तो उसको बिजी नहीं बताएगा स्विच ऑफ एंड नेटवर्क क्षेत्र के बाहर बताएगा कवरेज क्षेत्र के बाहर बताएगा लेकिन इसको बिजी नहीं बताएगा तो इसके लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन में दो सेटिंग करना है दो सेटिंग करने के बाद आपके फ़ोन में ये जब भी आप अपने फ़ोन में किसी के भी नंबर को ब्लॉक करेंगे तो उसको बिजी नहीं बताएगा स्विच ऑफ नंबर क्षेत्र के बाहर बताएगा तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में दो सेटिंग करना है तो पहली सेटिंग के लिए आपको क्या करना है अपने फ़ोन का इस तरीके से कॉल सेटिंग आपको ओपन करना है तो कॉल सेटिंग ओपन करने के लिए डायलर पैड ओपन करिएगा ऊपर यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑफन मिलेगा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको कॉल सेटिंग देखने मिल जाएगा कॉल सेटिंग पर आप इस तरीके से आ जाइएगा अगर आपके फोन में यहाँ पर कॉल सेटिंग नहीं आती है तो आप सिंपली यहाँ से बैक होकर के जाइएगा और ओपन करिएगा अपने फ़ोन का मेन सेटिंग मेन सेटिंग को ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको सर्च का ऑफन मिलेगा यहाँ पर सर्च पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप टाइप करिएगा सी ए डबल एल कॉल एस ई डबल टी ई टी आई एन जी एस कॉल सेटिंग आप सर्च करिएगा तो कॉल सेटिंग यहाँ पे देखिए इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी इसको आपको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे आपको देखना है आपको ये एक आप सेटिंग देखने को मिलेगी कॉल फॉरवर्डिंग की आपको यहाँ पे कॉल फारवर्डिंग पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करना है अगर आप डुबल सिम लगा रखे होंगे दोनों सिम आएंगे जिस भी सिम में आप एंट्रिक करना चाह रहे हो वो सिम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए अगर एक ही सिम है तो एक ही सिम आप सेलेक्ट करिए यहाँ पे करने के बाद आपको वॉइस पे क्लिक करना है वॉइस पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये सेटिंग ओपन होगी यहाँ पे कभी कभी आपके फ़ोन में ये सेटिंग ओपन करते समय यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और कॉल फिटिंग या नेटवर्क अथवा सिम कार्ड का इरेर आता है जब भी आपके फ़ोन में इररर आए तो बस आपको ओके ओके करते जाना है आपकी फ़ोन की ये सेटिंग कुछ इस तरीके से देखिए ओपन हो जाएगी तो देखिए इस तरीके से आपके फ़ोन में सेटिंग ओपन होगी यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन आप देखने को मिलेंगे अभी आपको यहीं पे ध्यान देना अगर आप यहीं पे कोई भी सेटिंग आप गड़बड़ करेंगे तो आपके फोन में सही से वर्क नहीं करेगा तो आपको यहाँ पे सेटिंग क्या करना है देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको बिजी वाला यहाँ पे आपको भेन बिजी वाला आपको यहाँ पे बिजी वाले एफन पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे आपको कोई अपना एक ऐफा नंबर डाल देना है जो आपके पास बंद नंबर हो आपका जो पुराना नंबर हो या आपके किसी मित्र वगैरह का हो जो हमेशा बंद रहता वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी बंद नंबर नहीं है तो आप नाइन नाइन यहाँ पे आप टेन टाइम डाल दीजिए देखिए इस तरीके से नाइन नाइन आप पे यहाँ पे आप दस बार डालेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे नाइन नाइन टेन टाइम डाल दिया है ये ए, कोई नंबर नहीं है इसको हमने यहाँ पे डाल दिया इसके बाद यहाँ पे हम टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे जैसे टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन में ये सेटिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे ए, ए, एक्टिवेट हो जाएगी आपके फ़ोन में जब सेटिंग एक्टिवेट हो जाती है तो एक्टिवेट होने के बाद आ, अब आपको आपकी जो पहली सेटिंग है वो यहाँ से रेडी हो गई है अब आपको यहाँ पे करना है दूसरी सेटिंग दूसरी सेटिंग के लिए क्या करना है यहाँ पे आप अपने फ़ोन का डायलर पैड में आइए और जिस भी नंबर को आप ब्लॉक करना चाह रहे हो जिस भी नंबर का आप ये चाह रहे हैं कि इस नंबर को हम ब्लॉक कर दें और इसको बिजी ने बताए तो अब आप अपने फ़ोन में यहाँ से उस नंबर को सिम्पली ब्लॉक कर देना है तो चलिए अभी हम यहाँ से एक नंबर को यहाँ से हम ब्लॉक कर देते हैं ये नंबर है यहाँ से इसको हम देखिए यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इस नंबर को यहाँ से ब्लॉक कर दिया ये इस नंबर को हमने यहाँ से ब्लॉक कर दिया है अब इस नंबर की जब भी हमारे फ़ोन में कॉल आएगी इसी तरीके से हम जितने भी नंबर को हम ब्लॉक कर देंगे अपने फोन में और उनकी जब भी यहाँ पर कॉल आएगी तो उसको बिजी नहीं बताएगा उसको नेटवर्क क्षेत्र के बाहर या कवरेज क्षेत्र के बाहर या स्विच ऑफ बताएगा लेकिन बिजी नहीं बताएगा जब कभी भी आप अपने फ़ोन में इस सेटिंग को बंद करना हो आपको सिंपली इस नंबर को यहाँ से अनब्लॉक कर देना है ब्लॉक लिस्ट इस नंबर को हटा देना है और इसी तरीके से आप अपने फोन के कॉल सेटिंग में जाइएगा इस तरीके से कॉल सेटिंग में जाइएगा और कॉल सेटिंग में जाने के बाद आपने फोन का कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग ओपन करिएगा अपना सिम सेलेक्ट करिएगा और वॉइस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपकी जो बहन विजी वाली सेटिंग में आपने जो नंबर डाला हुआ था उस नंबर को आपको यहाँ से डिलीट या डीएक्टिवेट कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेनबीजी वाले में जो नंबर यहाँ पे हमने डाला हुआ था या हमने जो नंबर यहाँ पे डाल के इसको एक एक्टिवेट किया था उस नंबर को हम यहाँ से हटा देंगे इसको यहाँ पर टर्न ऑफ कर देंगे देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया है और ऑफ करने के बाद अब आपके फ़ोन से ये से सेटिंग कैंसिल हो जाएगी तो दोस्तों तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में इन दो सेटिंग को आप ध्यान से पहले समझिएगा और इसके बाद करिएगा आपके फ़ोन में हंड्रेड परसेंटेट्रिक बर्क कर